एक जी शख्स जैसे इलाके में आया और उसने बहुत सारे लोगों से पैसा लिया और कुछ मतलब बता करके बिजनेस का या कोई शेयर है बांट रहा है, इस तरह से बात की और पैसा लेकर के बहुत सारा कुछ लोगों से किसी काम में मजदूरी भी करवाई जिनके पास पैसा नहीं था। शेख वो पैसा लेकर भाग गया। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पे है जो बची हुई है, तो उस प्रॉपर्टी का क्या करेंगे जो दावेदार है कि मेरा भी लेकर के गया है मेरा, तो क्या किया जाए उसका? जी देखिए, सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि वो आदमी जो लोगों से पैसे लेता था किस हैसियत से लेता था। एक तो होता है मुदारबा। मुदारबा मतलब मैं आपको पैसे दूं, आप उसमें बिजनेस करें, जो फायदा होगा उसमें इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा, इसको मुदारबा कहते हैं। तो मुदारबा में अगर जो है जो कैपिटल है वो डूब जाता है तो जो साहिबे माल होता है वो जिम्मेदार होता है। तो ये तो मुजारबा की कैफियत होती है। लेकिन दूसरी और कोई शक्ल हो सकती है जिसमें आप जिक्र कर रहे हैं। हो सकता है उसने उधार लिया हो, किस तरह से लिया है मुझे नहीं मालूम, अल्लाह आलम। बहरहाल अगर वो शख्स भाग गया है तो गरचे वो मुजारबा ही क्यों ना हो, जब सामने से आकर के उसने बताया नहीं है कि ये माल डूब गया या बिजनेस डूब गया और वो भाग गया, तो वहां पे यही कहा जाएगा कि वो माल लेकर के भाग गया। अब इसका हुक्म यह है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में कि जितने लोग दावेदार हैं उन देखा जाएगा कि उसके ऊपर कुल माल कितना है। मान लीजिए उसके ऊपर 10 लाख आ रहा है और दावेदार लोग 10 लोग हैं, हर आदमी का 1-1 लाख लेके भागा है। इसका मतलब ये होगा कि बचा हुआ जो माल है अगर वो माल 10 लाख का है तो हर आदमी 10-10% ले लेगा। अगर उनका माल पूरा, अगर उनका जो माल लेकर के भागा है उसकी प्रॉपर्टी से वो पूरा हो जा रहा है तो हर आदमी अपना अपना हिस्सा ले लेगा, और अगर जो माल उसका बचा हुआ है जो प्रॉपर्टी वहां मौजूद है वो कम है, जितना लेकर के भागा है उससे कम है, तो हर आदमी अपने दिए हुए माल का परसेंट लेगा। कितना परसेंट उसका उसमें बनता है उस हिसाब से लेगा। इसको हदीस की इस्तेलाह में उसवतुल गुरमा कहते हैं कि जैसे कोई आदमी मकरूज है किसी का, बाद में वो आदमी मुफलिस हो गया, कर्ज नहीं अदा कर पा रहा है, तो जो माल उसके पास बचा हुआ है उस मकरूज आदमी के पास वो जी माल कर्ज खाहों में बांट दिया जाएगा उनके कर्ज के निस्बत के एतबार से। तो अगर उसका माल ज्यादा है तब तो सबको अपना अपना पूरा पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर पूरा पूरा नहीं मिल सकता है तो अपने दिए हुए माल का जो परसेंट बनता है उसमें उतना वो पाएंगे। से कुछ में उसमें कुछ लोग गैर मुस्लिम हैं तो वो इसको पुलिस में ले जाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए मुल्क का कानून तो यही है कि इस तरह का केस हो तो उसे जो है कानूनी कार्रवाई की जाए, तो अगर जी कानूनी कार्रवाई करते हैं तो उनका हक है,